नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। रिलायंस जियो का प्लान्स काफी इंप्रेसिव होता है, लेकिन आज एयरसेल ने काफी बढ़िया प्लान लॉन्च किया है। नए साल में उनका उपहार है नया एक प्लान जिसका प्राइस है 2018 रुपीज, और जो रिलायंस जियो का 4999 रुपीज को काफी बढ़िया टक्कर देता है, इनफैक्ट काफी हद तक उसको बीट कर देता है। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए, मैं इस वीडियो में वही प्लान के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये प्लान कैसे जियो के प्लान को बीट करता है जो उसका लगभग 1/3 प्राइस में एयरसेल ने लॉन्च किया है। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो का जो प्लान है विच इज 4999 रुपीज का प्लान, उस प्लान में आपको मिलता है 365 दिन मतलब एक साल का वैलिडिटी, 350 जीबी का डेटा, और उसके साथ आपको मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग विदाउट FUP। और अगर एयरसेल का प्लान देखा जाए जो उन्होंने लॉन्च किया एट द प्राइस ऑफ 2118 रुपीज, मतलब लगभग 1/3 प्राइस में उन्होंने लॉन्च किया, 300 रुपए का लगभग डिफरेंस है दोनों प्लान में लगभग, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग लोकल नेशनल। अगर आप रोमिंग पे रहते हैं वहां पर भी आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का सुविधा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है 1 GB डेटा पर डे, मतलब 365 जीबी का आपको डेटा दिया जाएगा जहां पर रिलायंस जियो में 350 जीबी का डेटा दिया जा रहा था। उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा 100 SMS फ्री, बोथ द प्लान्स पे आपको सेम मिलता है। सो, इसका वैलिडिटी है 365 डेज में, तो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखा जाए, रिलायंस जियो का जो 4999 रुपीज का प्लान है वहां पर आपको अगर 12 से डिवाइड करता हूं तब आपको पड़ता है लगभग 416-417 रुपए के आसपास पर मंथ। लेकिन अगर 2018 रुपए का प्लान अगर मैं कंपेयर करता हूँ 12 महीने में, तो आपको देना पड़ेगा लगभग 160-170 रुपीज के आसपास। तो जैसा देख पा रहे हो, लगभग 1/3 प्राइस में आपको सेम फीचर्स मिलेगा, सेम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिसके बारे में अभी तक एयरसेल की तरफ से खुलासा नहीं किया गया, वो ये है, रिलायंस जियो में दे रहा है 4G डेटा जो है आपका 350 GB डेटा, लेकिन एयरसेल 3G डेटा देगा या फिर 4G डेटा देगा उसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जी हाँ, तो अगर आप कोई भी एयरसेल सिम इस्तेमाल कर रहे हैं डेफिनेटली अपने कस्टमर केयर में कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में और भी जानकारी लेना कि एग्जैक्टली यहाँ पर 4G डेटा दे रहा है या फिर 3G डेटा दे रहा है, क्योंकि अगर वो लोग 4G डेटा प्रोवाइड करते हैं 2018 रुपए में एक साल का वैलिडिटी, आई थिंक ये काफी किलर डील है और काफी अच्छा भी डील है ये वाला। खाली यही प्लान नहीं, उसके साथ साथ एयरसेल ने और एक प्लान लॉन्च किया विच इज 154 रुपीज का प्लान, जहाँ पर 28 डेज का वैलिडिटी वो लोग दे रहे हैं, उसके साथ साथ दे रहे हैं अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड नेशनल रोमिंग कॉलिंग, लेकिन यहाँ पर एक FEP है कॉलिंग पे, जो कॉलिंग FEP है विच इज 250 मिनट्स पर डे या फिर 1000 मिनट्स पर वीक, इसके हिसाब से दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको टोटल 28 डेज के लिए आपको दिया जाएगा 2 GB का डेटा, जी हाँ ओनली 2 GB का डेटा दिया जा रहा है। तो ये वाला प्लान भी एयरसेल लॉन्च किया, मुझे जो प्लान इंप्रेसिव लगा विच इज 2018 रुपए का प्लान काफी इंप्रेसिव है। अगर वो लोग पैन इंडिया में ये लॉन्च करते हैं तो जल्दी से जाइए अपने कस्टमर केयर या फिर लोकल रिटेल स्टोर में जाके पूछिए ये वाला प्लान अभी तक अवेलेबल हुआ है कि नहीं, या फिर यहाँ पर वो लोग 3G डेटा दे रहे हैं या फिर 4G डेटा। तो गाइस, अगर ये वाला प्लान या फिर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि जो लोग एयरसेल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो लोग कोई भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आई थिंक एयरसेल का ये प्लान उन लोगों को काफी बढ़िया लगेगा। तो गाइस, इस वीडियो में अभी तक लिखते हैं, दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।